आज मिलेंगे एक फेमस रियलिटी शो कंटेस्टेंट रेक्स फर्नांडिस से, सीबीएन फाउंडेशन का क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैंपेन और शमी हंस का एक म्यूजिक वीडियो। दांतों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिबेका जी, आजकल रियलिटी शोज कितने पॉपुलर हो रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी सारी ऑडियंस, एक लाइव परफॉर्मेंस, वो भी नेशनल टेलीविजन पर, कितना मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल रिबेका, ये बहुत मुश्किल होता है। और जानते हैं आप कि आज इस प्रोग्राम में, इसके इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी सेगमेंट में, हम आज आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं? एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण रियलिटी शो में एक ऐसा गीत गाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कौन सा गीत था अमित? वेल, ये जानने के लिए तो आपको मिलना पड़ेगा रेक्स विंसेंट फर्नांडिस से। और मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि उनकी इस अनयूजुअल चॉइस को जजेस ने पसंद किया या नहीं। का इकलौता इंग्लिश सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। मुझे पॉप सॉन्ग्स और दूसरे इंग्लिश गानों की बहुत ही कम नॉलेज थी। मैं तो बस गॉस्पेल सॉन्ग्स ही जानता था। तो मैंने क्या तय किया कि मैं वहां पर सिर्फ गॉस्पेल सॉन्ग ही गाऊंगा। मैं वहां अमेजिंग ग्रेस गाऊंगा अपने ऑडिशन के लिए। एक वजह तो ये कि मुझे बाकी गाने नहीं आते, पर साथ ही ये गाना मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है। मैंने अलग अलग सीरीज के ऑडिशन देखे थे और एक आदमी था जिसने ऑडिशन में गाया था हाउ ही लव जीसस, वो बहुत ही शानदार था। मैंने प्रभु से कहा कि मैं भी वहां जाऊंगा और वही सेम गाना गाऊंगा। मैं उस मंच से सबको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मैंने वही गाना गाया अपने ऑडिशन में। जजेस को वो पसंद आया। जब उन्होंने पूछा तो मैंने बताया ये गॉस्पेल सॉन्ग है। मैं वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरी आवाज नहीं बल्कि वो गाना था जो उन्हें छू गया। उस दिन वो प्रभु की आत्मा थी जो उस गाने में थी। और मेरा मानना है कि परमेश्वर उन लोगों को मेरे गाने के जरिए सहायता कर रहे थे। मैं आप सबको उस गाने की झलक सुनाना चाहता हूं। And I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rains and in love. Amazing grace. मैंने गाने लिखना, गाने बनाना शुरू किया, ऐसे गाने जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। मुझे विश्वास है कि संगीत परमेश्वर की देन है। चाहे कैसा भी संगीत हो, अगर संगीत अच्छा है तो वो परमेश्वर का है, क्योंकि सभी अच्छी चीजें उसी की हैं। और तभी मैंने अपने म्यूजिकल सफर की शुरुआत की प्रभु यीशु के साथ। मुझे एक वर्स याद है जो रोमियो 8 में लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर मैं जीवन में कुछ गलती करूं या धोखा दूं, तो मैं अपने परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी महानता है। और इसी चीज ने मुझे बदला। Amazing grace.
अभी आपने देखा कि किस प्रकार जजेस को रेक्स का ये गीत पसंद आया और सच में कितना बोल्ड डिसीजन लिया रेक्स ने ऐसे शो में एक मसीही गीत को चुनकर। दोस्तों, कोई भी हुनर हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है और बहुत जरूरी है कि हम इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। रेक्स विंसेंट फर्नांडिस की तरह हम भी परमेश्वर को अपने हुनर में पहला दर्जा दें। जी बिल्कुल रिबेका, लेकिन कई लोग हैं ऐसे जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल दूसरों की बढ़ोतरी के लिए नहीं या उनको हेल्प या सहायता करने के लिए नहीं बल्कि उनको धोखा देने के लिए करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पहले तो ये व्यक्ति परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से लोगों को अपने व्यवसाय के द्वारा बेवकूफ बना रहा था। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। बचपन से ही मैं बहुत गुस्से वाली थी। अगर मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहती तो मैं भड़क जाया करती थी। जब मीनू आडक जवान हुए उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। महादेव के साथ उसके विवाह के बाद भी छोटी सी बात पर भी वो भड़क जाया करती थी। मेरे पति किसी काम से जुटे हुए थे, आप कह सकते हैं वो अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हुए थे और इस प्रकार वो कुछ गैर कानूनी कामों में लगे हुए थे। मीनू को और भी बुरा लगा जब उसे पता चला कि उसका पति जो एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता है लोगों से झूठे वादे करके पैसे ले रहा है। मैंने अपने पति को बदलने की बड़ी कोशिश की। मैंने उन्हें बदलने का हर मार्ग अपनाया लेकिन वो नहीं बदले। वो वही काम करते रहे, झूठ बोलना और लोगों से पैसे लेना और उन्हें नौकरी दिलाने के लिए झूठे वादे करना। और जब भी मैंने उनसे इस बारे में पूछा वो हमेशा झूठ बोले और मुझे सच्चाई कभी नहीं बताई, जिसके होते हमारे बीच दूरियां पैदा होने लगी। मीनू को अपने पति पर चिल्लाकर बुरा तो लगा पर साथ ही साथ वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान भी थी। उसी समय कुछ विश्वासी जन उनके घर पर आए। हमने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और ईश्वर हमारी समस्याओं का समाधान निकालेगा। यीशु के बारे में और भी जानने की चेष्टा लेकर, क्योंकि उसने मीनू का मन शांति से भर दिया था, मीनू एक स्थानीय कलीसिया में जाने लगी। एक बात जिसने मेरे हृदय को छू लिया था वो था ईश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखता है कि वो अपने बच्चों को वो सब कुछ देना चाहता है जो उस पर भरोसा रखता है। उसे उसकी जरूरत का वो सब कुछ मिलता है और वो गलत मार्ग पर नहीं चलता। मेरा मन ये सुनकर ऐसा कहने लगा, मुझे पता लगा कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरा था। तब मेरी समझ में आया कि मैंने कितने पाप किए हैं और किस प्रकार मैं हर किसी पर भड़क जाया करती थी और केवल इस वचन ने मुझे बदल दिया। मैं बाइबल पढ़ने लगी और ये प्रार्थना करने लगी कि प्रभु यीशु मेरी मदद करेगा। उस समय से मीनू प्रभु यीशु के साथ और भी समय बिताने लगी। मैंने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि प्रभु यीशु के साथ और समय बिताऊं। धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदला। जो क्रोध मेरे अंदर था और जिस कारण मैं किसी से प्रेम प्रकट नहीं कर पाती थी और भड़क जाया करती थी, उसमें अब परिवर्तन आने लगा। मैं अपने पति से प्रीति रखने लगी और प्रभु से प्रार्थना की वो हमें मुसीबत से बचाए और कर्ज देने वाले को कर्ज लौटाने के योग्य बनाए। मीनू की प्रार्थना के उत्तर के रूप में महादेव को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। जब से मेरे पति ने काम करना शुरू किया तब से हमारा व्यवहार और स्वभाव भी बदलने लगा। जब पहले कर्ज देने वाले अपने पैसे मांगने आते थे हम उनके साथ झगड़ा करते, उनका अपमान करते थे, पर अब हम उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, उन्हें खाना भी परोसते हैं। हमारे अंदर ये परिवर्तन देखकर वे आश्चर्य करते हैं। अब मीनू और उनका पति महादेव एक सुखी जीवन जी रहे हैं आपस में और दूसरों के साथ भी। उनका एक बेटा है रूपा मादक और अपने जीवन द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं। अब मैं अपने परिवार से प्रेम करती हूँ, परिवार से ही नहीं बल्कि पड़ोसियों से भी, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया कि दूसरों से भी अपने समान प्रेम रखो। यीशु मेरे जीवन का पहला और अंतिम भाग है और वही मेरे लिए एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों, अभी आपने मीनू अदक और उसके पति की इस टेस्टिमनी को देखा। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार उनको जब रियलाइज हुआ कि वो गलत कार्य कर रहा है तो उनका जीवन बदला और उन्होंने परमेश्वर की तरफ अपना रुख किया। प्रभु बुराई से बचाते हैं।
दोस्तों, जिंदगी में कई बार हमें ये रियलाइज ही नहीं होता, हम ये सोच समझ ही नहीं पाते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जब बने, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब परमेश्वर हम पर उजागर करेगा कि हमारी जिंदगी में क्या गलत घट रहा है और क्या सही। ठीक उसी प्रकार जब मीनू अदक, जब वो परमेश्वर की नजदीकी में आई, जब उसको पता चला कि परमेश्वर उनकी जिंदगी से क्या चाहता है, तो उसने उसको अपनाया, अपने हस्बैंड को प्रेरित किया कि वो भी सही मार्ग अपनाए, उस गलत रास्ते को छोड़ दे, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में उस शांति को लाने पाए, उस खुशी को लाने पाए जो कि जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, आप और मैं भी कभी कभी जिंदगी में कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, शायद वो बुरी संगति के कारण हो, चाहे वो हमारी अनभिज्ञता के कारण हो, लेकिन हमें ये जरूरी है जानना कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी नहीं चाहता कि हम बुरे रास्ते पर चलें, वो हमें सही मार्ग दिखाता है। आज मैं भी आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप भी अगर अपनी जिंदगी में कोई गलत रास्ता पकड़े हुए हैं, तो आज ही उस रास्ते से आप वापस लौट आइए, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कीजिए, परमेश्वर आपको दिखाएंगे सही मार्ग और आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे मीनू अदक और उनके हस्बैंड की बनी। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें इस बारे में क्या बता रहा है। नीति वचन 28:25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हिष्ट पुष्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर का वचन भी हमें प्रेरित करता है कि हमें सही मार्ग चुनने की जरूरत है, बुराई से बचने की जरूरत है। दोस्तों, आज मैं आपसे क्विज सेक्शन में एक प्रश्न पूछूंगा जिसके तीन विकल्प होंगे, आपको एक सही विकल्प चुनना है। हम बुराई से कैसे बच सकते हैं? ए, बुरे लोगों से सहभागिता करके। बी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहके। सी, बुरी संगति में रहके। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ए, बी या सी, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और एसएमएस करें 0991040101 पर। तो जल्द ही अपना जवाब आज ही भेजिए। दोस्तों, आज के इस विषय से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमारे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर जरूर जाएं, वहां पर जाकर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनके उत्तर जरूर देंगे। अब समय है एक छोटी ब्रेक लेने का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपने हमारे सीबीएन फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा सीबीएन फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। सीबीएन फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन अपने क्लीन वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम के द्वारा न केवल परिवारों तक साफ पानी पहुंचा रहा है, पर सारी कम्युनिटीज को भी बहुत सहायता दे रहा है। दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन ने आप लोगों की मदद के द्वारा गुड़गांव में एक ऐसे स्कूल में जहां बच्चों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं था, शौचालय का निर्माण किया और वहां पर उनको एक साफ और स्वच्छ माहौल प्रदान किया। इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। पहले यहाँ पन्नी का बाथरूम था, मुझे पन्नी के बाथरूम में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे बाथरूम नहीं था। ये दिक्कत होती थी जैसे कि कोई देख ना ले और अजीब सा लगता था। मेरे को स्कूल आना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल में एक चीज प्रॉब्लम है, बाहर टॉयलेट जाना पड़ता है, इसी के वजह से पढ़ाई ढंग से पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पर हमारे पास पहले 24 बच्चे थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। टॉयलेट के चक्कर में कुछ बच्चे आते भी नहीं थे, यहाँ पर चले जाते थे, आते थे नाम लिखवा कर चले जाते थे। गुड़गांव के दो सरकारी स्कूल्स यहाँ के गरीब बच्चों के लिए, विशेषकर आसपास की इमारतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा का एक केंद्र है, पर यहाँ शौचालय की सुविधा ना होने की वजह से लगातार बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं।
सीबिन फाउंडेशन ने इन बच्चों के लिए नए शौचालयों का निर्माण कराया, जिससे बच्चों को साफ और सुरक्षित जगह मिल सके। ये जो एरिया पड़ता है, ये ना गवर्नमेंट वार्ड के इसमें आता है, क्योंकि ये बिल्डर्स ने इस जगह को ले लिया, तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ काम नहीं कर पा रही है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये एक ऐसा स्पॉट होगा जहाँ हम काम कर सकते हैं, और इसी रीजन से ये कंस्ट्रक्ट इस स्कूल में किया गया। आपने हमें बहुत खुशी दी, ये टॉयलेट बनाया बच्चों के लिए, बच्चे बहुत खुश हैं, इससे बच्चे अब ड्रॉप आउट भी नहीं होंगे और डेली आएंगे। बहुत खुशी हो रही है जी कि एक तो बच्चे एडमिशन के लिए और भी बढ़ेंगे, एक अलग से दिखाई दे रहे हैं बाथरूम। सीबीएन फाउंडेशन वालों ने बनवाया तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए ये कदम उठाया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लड़की और लड़के लिए टॉयलेट बन गया है। सही लग रहा है, कभी घर नहीं जाना होगा, अब हमें झाड़ी में टॉयलेट करने नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह हमारे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के द्वारा न केवल परिवारों को फायदा हो रहा है, बल्कि स्कूल्स और कम्युनिटीज यानी समुदायों को भी बहुत अच्छा एक स्वस्थ माहौल मिल रहा है जीने के लिए। अगर आप भी हमारे इन कार्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप देर न करें, आज ही हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। कम से कम 5,000 रुपये के मासिक अनुदान के साथ आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं। आप अपने इस योगदान को हमें पेटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर अपने फंड्स हमें पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपने अनुदान को हमें चेक, डीडी या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के द्वारा भेजना चाहते हैं, तो आप प्लीज नोट करें हमारे पते की जानकारी। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122009। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे, सो डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बोल होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बोल। हे बच्चों, अगर आप सुपर बोल की डीवीडी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या दिए गए नंबर पर SMS करें। एप्स, गेम्स और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.superbook.tv। जिंदगी में उतार चढ़ाव और परेशानियां हमेशा रहती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से उन परेशानियों से हार जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव या फिर जिंदगी में सुकून की कमी। आज कहीं ना कहीं हर इंसान इन परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम देंगे आपका साथ। आप हमारे प्रेयर सेंटर में अभी कॉल कीजिए और हमारे प्रेयर एजेंट्स करेंगे आपके लिए प्रार्थना, और हमारा पूरा विश्वास है कि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। हमारी प्रेयर लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, तो अभी हमें कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कामों से हमेशा दूसरों को आशीषें मिलनी चाहिए, ना कि धोखा। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना आप परमेश्वर के पास आएं और प्रार्थना को एक मौका दें। तो आइए पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस। आज का ये पहला मैसेज हमें भेजा है राजकुमार ने। ये कह रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पापों की क्षमा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे राजकुमार जी आपके लिए। देखते हैं कि हमें दूसरा निवेदन आज किसने भेजा है। दूसरा निवेदन हमें भेजा है श्रीनिवास ने,
कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को दुख पहुंचाया है, धोखा दिया है, जिसकी वजह से ये प्रार्थना करवानी चाहते हैं पापों की क्षमा के लिए। प्रार्थना करेंगे श्रीनिवास जी आपके लिए, राजकुमार जी आपके लिए, साथ के साथ हम प्रार्थना करेंगे हर एक उस जन के लिए जो कि अपने जीवन में प्रार्थना चाहता है, अपने गुनाहों से माफी चाहता है, अपने गलत रास्तों को छोड़ना चाहता है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता दयालु परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, पिता परमेश्वर, इस वक्त हम भाई राजकुमार को और भाई श्रीनिवास को प्रभु जी आपकी हुजूरी में लेके आते हैं। प्रभु जी इनके निवेदनों को हम आपके आगे रखते हैं और ये हम जानते हैं कि प्रभु जी आप इनके हृदयों को जानते हो, आप जानते हो कि किस प्रकार से प्रभु जी इन्होंने पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ आपके आगे इस प्रार्थना निवेदन को रखा है। प्रभु जी आप हृदयों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप गुनाहों को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, होने दीजिए कि इनके गुनाह माफ़ किए जाएं और पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों को ऐसा बदल दीजिए, ऐसी गवाही बन के खड़ा कीजिए ताकि इनके जीवनों से लोग आशीषित पाएं, आपके नाम को जानने पाएं प्रभु, और ये जान जाएं कि पिता सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा मिलती है प्रभु, और चंगाई यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, पापों से रिहाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। पिता परमेश्वर हर एक उस जन को जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जिनके नाम इस स्क्रीन पर चल रहे हैं पिता, हम उनको भी आपके आगे नाम बनाम पेश करते हैं और उनके लिए भी प्रभु जी आपकी आशीष आपका अनुग्रह मांग लेते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनो और कबूल करो, आमीन आमीन। सच में पिता परमेश्वर के आगे जब हम अपनी प्रार्थना निवेदन को रखते हैं, पापों की माफी उनको मानकर, पापों को गुनाहों को मानकर उसकी माफ़ी के लिए दरख्वास्त रखते हैं, परमेश्वर इतने महान परमेश्वर हैं कि चाहे हमारे गुनाह लाल अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, वो श्वेत किए जाएंगे, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। आइए देखते हैं आज बाइबल का वचन हमें क्या बता रहा है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। नीति वचन 15:18। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो हमसे हमेशा बातचीत करता है। अमित, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो और ना ही वो हमें किसी ऐसी राह पर ले जाता है जहां हम जो काम करते हैं उससे दूसरों को तकलीफ हो। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमें कभी भी बुरे मार्ग पर नहीं ले चलता, वो हमें हमेशा सही मार्ग दिखाता है और उस रास्ते पर चलने की हमें सामर्थ्य भी प्रदान करता है। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब आप सुने ये गीत। शमी हंस की आवाज में इस गीत के बोल हैं, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। नमस्कार। नमस्कार। यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। पाक तेरा लहू बंधनों को तोड़ देता है, पागरू के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, पागरू के साथ रिश्तों को जोड़ देता है, बड़ा काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू।
और होंठ भी न पाक थे, दिल में था पाप और होंठ भी न पाक थे। होंठों को पाक करे, होंठों को पाक करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। अपने लहू में छिपा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू। तू हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। रिश्तों को जोड़ देता है, पागलों के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। बड़ा काम ये खास करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। और होंठ भी न पाक थे, दिल में था पाप और होंठ भी न पाक थे। होंठों को पाक करे, होंठों को पाक करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू। अपने लहू में छिपा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू, तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू। तू हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक